बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे उम्मीद करता सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे उम्मीद करता सब खैर से, हमारी दुआ जहां रहे खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग खैर से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने अमान में रखे और अल्लाह ताला सब तमाम मुसलमानों की हर परेशानी को दूर करे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया कि हम कहीं गए हुए हैं और दावत है हमारी, और अभी हमने तैयारी कर ली है और अभी जाने लगे हैं। जहाँ पे जा रहे हैं वो घर किसका है वो आप लोगों को बताऊंगा मैं ज़रूर, और वो भी हमारे रिलेटिव हैं, मेरे हैं, इसके नहीं हैं। तो चलते हैं, अब्दुल हादी भी तैयार हो गया और हमने भी तैयारी कर ली। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे और आज जो है हमने कहा चले आज सही, आज का दिन हमें उन्हें दिया है और बड़ी स्पेशल दावत जो है वो हमारे लिए बना रहे हैं, और आप लोगों ने जो हमारे साथ जुड़ा रहना है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलते हैं जी, बाइक निकालते हैं बाहर, तो जल्दी से पहुँच चलते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। सुबह नाश्ता किया लेकिन अभी चार का टाइम हो चुका, चार बज गए और अभी। और अब्दुल हादी कपड़े नहीं दिखाया आपने, अब्दुल हादी दरवाज़ा खोलने जा रहा है तो दरवाजा खुल जाएगा आपसे। चल बाय बाय करें इधर, वो भी बड़े दरवाजे को हाथ लगाए, बाय बाय करें, बाय बाय तो करो। हमने जी वाइट की मैचिंग की हुई है और अब्दुल हादी ने हमारे साथ मैचिंग नहीं की, इन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है। हां चलें दरवाजा खोले, चलें नहीं खोलना, चलें दरवाजा बंद कर दे, चल आ जा कोई बात नहीं। तो हम पहुंच आए हैं, तो अब्दुल हादी नीचे उतरो, ऐसे शहजादा चलें अंदर आप लोग चलें जी। बेगम साहब अभी मेरे लिए पानी लेके आ रही, जूस लेके आ रही है, ये वाइट जूस। वाओ जूस है ये, आपने पी लिया? मैंने जूस समझा था। चलें जी, ये जो घर आप देख रहे हैं ये है मेरे चाचू के बेटे का घर है, ठीक हो गया, तो इधर आए हुए हैं। अब्दुल हादी जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है, बाहर चला गया। हाँ जी बेगम साहब यहाँ पे आग और चूल्हे पे बैठी हुई आग जला रही, तो उन्होंने फरमाइश की कि आपने बिरयानी बना के देनी है हमें, ऐसे ना उसके बाद बिरयानी, उसके बाद बिरयानी बनेगी आपके हाथ की, बिरयानी इन्होंने खानी है। यस सही। हाँ जी पतीला ऊपर रख दिया गया है, इसमें वो हमने बॉईल किया था। अच्छा पहले इसमें गोश्त तो बॉईल हो चुका है, तो यहाँ पे अब्दुल हादी जो वो चीज़ लेके आया है, क्या लेके इधर दिखाओ, इधर दिखाओ मैं खोल कर दूँ, क्या लेके आए हो, क्या लेके आए हो? यहाँ पे जी हमारे टमाटर जो है वो काटे जा रहे हैं। हाँ जी, तो साल साल लहसुन पीसा जा रहा है, तो इसके बाद से डालते हैं, ब्राउन हो गए हैं जी, प्याज ब्राउन हो गए और टमाटर डाल दिया गया है। हाँ जी यहाँ पे लहसुन और अदरक जो पेस्ट बनाए थे वो डाल रहे। हाँ जी यहाँ पे आप खुद ही मेहमान हैं और खुद ही मेज़बान हैं, पहली दफा हुआ ऐसा। मेहमान भी हैं, चले खैर। यहाँ पे हमारे चावल जो है वो निकाले जा रहे हैं माशाल्लाह जी, तो साथ बेगम साहब जो वो बोनी भी लगा रही है जी, चावलों की लग रही के गोश्त की? अच्छा जी हमारे पास आज मटन है तो हमें मटन खिलाया जाएगा, और अब्दुल हादी को चीज़ें खाने के अलावा और कोई काम नहीं है। कितनी कुछ चीज़ें खानी आपने अभी? प्यारे बहन भाइयों गोश्त जो है वो डाल दिया गया, बेगम साहब ने डाल दिया, और आप क्या खा रही हैं? बोटी खा रही हैं, तो खैर कोई बात नहीं, शाम भी होने वाली है। हाँ जी इसके बाद बेगम साहब ने आलू भी डाल दिया है, और आलू मैंने कहा है तो थोड़े से डाल दें आप, क्योंकि आलू का जायका जो है ना बड़ा मज़ेदार हो जाता है, ऐसे ना। मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू थोड़ा सा दूँ, तो ये देखे ये ज़रा बाहर का व्यू है इनके घर की बैक साइड, ये इनके घर की दीवार है, और ये बैक साइड पे छलियाँ पड़ी हुई हैं, और ये देखें जी बेगम साहब यहाँ पे जो भोनी में से बोटियाँ निकाल रही मटन की,
और साथ चिकन भी बनाना है अभी तक और बिरयानी भी बनानी है, तो मैंने कहा अभी थोड़ी सी बोटियाँ जो निकाल दें, क्योंकि हमने ही पकाना है और हमने खाना है, क्योंकि बाकी जो है वो कैमरे के सामने नहीं आते। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, बोनी में से बोटी खाने का अपना ही मज़ा होता है और मैं और बैगन से वो खा रहे हैं। आप लोगों ने खाना है तो आप भी आ जाएं, फिर आप कहेंगे कि सुला नहीं मारी इन्होंने। हाँ अलबत्त आप लोगों ने खाना खाए ना, क्योंकि अरे बहन भाइयों के हमारा जो है ना सालन तैयार हो गया है, तो अभी सिर्फ इसे उतारना है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी प्यारी बेगम, उतार दें आप। तो यहाँ पे हमारे जो है सलाद बन रहा है और ये खीरे हैं, तो साथ ये कुछ कट्टे भी पड़े हैं। तो अभी जी तैयार होने लगे हमारी बिरयानी ऐसी। हाँ जी, तो बिरयानी तैयार होने लगी, मटन जो था वो हमारा तैयार हो गया था। और आज हमारे पास दो डिशें हैं ऐसी, एक मटन है और मटन की कढ़ाई है और साथ बिरयानी है। कौन सी? सिंधी बिरयानी, कराची बिरयानी, सारी इकट्ठी है जी। प्यारे बहन भाई ये देखें, ये हमारा सलाद जो है माशाल्लाह तैयार हो चुका है। तो ये देखें, तो अभी खाना भी हमारा तैयार हो चुका है। तो हाँ जी प्यारे बहन भाई, यहाँ पे अभी चिकन जो है वो बिरयानी के लिए तैयार किया जा रहा है, तो इसके बाद बिरयानी तैयार हो जाएगी हमारी। कितनी देर है और इसके बाद पानी डालना है और बस चावल डाल देने। सही हो गया जी, शाम भी हो गई है, देख सकते हैं आपको सूरज भी नहीं नज़र आएगा, सूरज भी ग़ुरूब हो चुका है। हाँ जी प्यारे बहन भाइयों, अभी हमारे जो है ना बिरयानी वाले चावल वो डालने लगी बेगम साहबा, और शाम भी हो गया और आपको रिज़ल्ट से पता भी चल रहा होगा। तो बस चावल खोलेंगे तब आपको दिखाएंगे रिजल्ट चावलों का। हाँ जी, तो अभी ये चावल बन रहे हैं तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमने यहाँ पर रात नहीं ठहरना, वापस जाना है, हो चुकी है नहीं होने जा रही है। हाँ जी, क्या देर है खाने की? रोटियां बन गई, सलाद बन गया और चावलों को दम दे दिया बस। हाँ जी, तो यहाँ पे चावलों को जो है ना दम दे दिए, तो बस ऐसे 5 मिनट हैं तो उसके बाद उतार लेंगे। तो हाँ जी प्यारे बहन भाइयों, ये देखें अभी खाना जो है हमारा ना तैयार हो चुका है और बेगम साहबा जो खाना है वो डाल रही है। बिरयानी थी आपको बता रहे थे, और फिर अब्दुल आदि भी बैठा हुआ साथ, तो खाना खा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। हाँ जी करें शुरू। जी तो फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो खाना बेगम साहबा ने इतना मज़े का बनाया, इतना मज़े का बनाया कि उंगलियां ही चाटते रह गए सब। सब की ख्वाहिश ये थी कि किश्वर जो है ये बिरयानी बना के दे, लेकिन मैंने कहा चले यार ऐसा करते हैं कि ये जो है ना मटन कढ़ाई जो है वो भी ये बनाएगी और बिरयानी भी यही बनाएगी। चलो इससे ये है कि हमारा अब व्लॉग बन जाएगा और आप लोगों का खाना बन जाएगा। तो वो सब फिर कहते कि नहीं आप लोग वीडियो भी बनाएं और खाना भी बनाएं। तो काफ़ी इंजॉय किया बैक कैमरे के। तो खैर बाकी फैमिली शो तो नहीं होती थी और ना ही हम दिखा सके हैं। तो बाकी आज का व्लॉग हमारा यही था। तो आप लोगों ने हमें बताना है कि हमारा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। और अभी जी आ रही है मुझे नींद, क्योंकि मैं वहाँ पे करती हूँ हांडी रोटी और थक गई हूँ और अभी खाना खाया। वैसे भी ना मैं इस टाइम खाना खाऊँ ना तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती, पता नहीं मस्ती सी हो जाती मुझे। और अभी जी आ रही है नींद, हम व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड हमें अपनी नेक एग्जाम में ज़रूर याद रखिएगा। और जो हमारे बहन भाई चैनल पे न्यू हैं, न्यू आए हैं, वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यारा सा कमेंट्स जरूर छोड़ के जाया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।